हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप बोर हो चुके हैं, रखड़ी को अपने टाइट हेयर को एकदम बांध बांध के, और आप चाहते हैं कि आप अपने ओपन हेयर्स में रखड़ी को अच्छे से लगाएं, तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वो बात की बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को कर लेना है टाई, ताकि इससे जो आपके बाल है ना, वो मतलब कि जो धागा होता है उसमें उसमें फंसे नहीं। तो मैं सबसे पहले टाई कर लेती हूँ अपने हेयर्स को, एंड उसके बाद में आप चाहे तो रखड़ी ले सकते हैं या बोरला ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोरला लिया है। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, सेम ही होता है वो, रखड़ी और बोरले में कोई फर्क नहीं होता। तो इसमें चार धागे होते हैं जैसे कि आपको पता है। तो आप चाहे तो दोनों धागों को दो दो करके आप डायरेक्टली इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगाती हूँ। और अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते, थोड़ी सी जैसे कि रखड़ी हो क्या होती है ना, थोड़ी सी जैसे ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है अगर आप दोनों धागों को एक साइड से लेते हैं। बट अगर आप चाहें तो इनको अलग से बांध सकते हैं, जैसे कि ये दो धागे होते हैं, इनको अलग करके यहाँ से बांध सकते हैं, या अदरवाइज इस तरीके से बांध सकते हैं, इस साइड से लेके ये इस तरीके से। तो मैं आपको दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तो मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो भी मैं आपको कर लेती हूँ पहले। तो मुझे क्या सही लगता है कि मैं इस तरीके से इसको बांधूँ, मैं जनरली इसी तरीके से बांधती हूँ अगर ओपन हेयर्स में मैं कर रही हूँ तो। इसके बाद में हम यहाँ पीछे जो है नोट लगा लेते हैं पूरी प्रॉपर, जितना आपको मतलब कंफर्टेबल रहते हैं आप टाइट में, तो उस अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो मेरे ये धागे फंस गए हैं पीछे, आउच। मिनट, मेरे को फिर से अच्छे से बांधना पड़ेगा। तो आगे की तरफ आप ध्यान रखिएगा, आपको आगे कितना रखना है ये, और मतलब पीछे रखना है या आगे कितना रखना है, उस अकॉर्डिंग। तो मैंने ये बांध लिया है यहाँ पे। सो आप पीछे बाद में भी कर सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो इस तरीके से आप बांध सकते हैं। तो रखड़ी में तो क्या होता है जैसे कि बस इतना ही होता है, एंड आपकी जो पूरी वो लड़ वगैरह आ जाती है यहाँ पे, तो उसके बाद हो जाता है कंप्लीट। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे शीश फूल बोल सकते हैं, महरी बोल सकते हैं, जो भी आप समझें, उसको लगा लेती हूँ यहाँ पे। एंड इसको भी सेम जो धागे हैं उनको हम टाई कर लेते हैं। इसमें दो ही धागे होते हैं, चार नहीं होते हैं शीश फूल में या महरी में। तो इसको भी हम इसी तरीके से बांध लेते हैं पूरा, ये लो। इसके बाद हमने जो पोनी बनाई थी उसको ओपन कर लेते हैं, एंड अब हम अपनी हेयर्स को कॉम्ब कर लेते हैं इस तरीके से। बस हो गया हमारा। वो आप चाहे जैसे भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, या फिर जस्ट नॉर्मल अगर आप ओपन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो आपने देखा इतना इजी होता है, और मतलब हम जब तक ट्राई ना करें ना, तो हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है कि पता नहीं ये कैसे होगा। और ओपन हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले मतलब बन बना लो, चोटी बना लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो। सो दैट्स इट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल भी रहा होगा। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और आपको और इसी तरीके के वीडियोस देखना है तो कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।